श्री पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल। हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टैक ऑफ मेमोरीज। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी हम नेपाल का ट्रिप कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको भी घुमाने वाले हैं नेपाल की बहुत सी एक्साइटेड प्लेसेस और मंदिर। लेकिन फिलहाल अभी हम नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपको आज दिखाने वाले हैं नेपाल का प्राचीन मंदिर जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़ तो लाता ही रहता हूँ जिससे आपको मेरे वीडियोज़ को देखकर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पशुपतिनाथ मंदिर तक कैसे पहुँचा जाए। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ बहुत सारी बसें और टैक्सियाँ मिलती हैं जो आपको काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर तक ले जाती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर गौशाला तक पहुँचने में आपको केवल 45 मिनट्स लगते हैं और गौशाला से आप मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ श्री पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने हेतु देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, आप पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार महाशिवरात्रि, बाला चतुर्थी और तीज के दौरान यहाँ मंदिर में भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप इन मौक़ों पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, अन्यथा घूमने के पर्पज़ से आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव का ये धाम हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये मंदिर पशुपक्ष संप्रदाय से संबंधित है। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, किंतु मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुपक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण आसपास की कई संरचनाएं और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल पर्यटन स्थल धूल में बदल गए, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर कोई भी आंच नहीं आई और मंदिर आज भी वैसा ही तना खड़ा है। दीवारों पर बस कुछ दरारें दिखाई देती हैं। स्थानीय लोग और भक्त इसे दैविक शक्ति का संकेत मानते हैं। यह मंदिर प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम को 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए आपको केवल 90 से 120 मिनट का समय ही लगता है। इस पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर के 4 भौगोलिक दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं, जहां से होकर भक्तगण श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। किंतु ये मुख्य द्वार जो कि पश्चिम दिशा की ओर है, जिसे प्रतिदिन खोला जाता है और अधिकांश श्रद्धालु इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। जैसे ही श्रद्धालु इस द्वार से प्रवेश करते हैं, उन्हें नंदी के विशाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। दोस्तों,
जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि नंदी भगवान शिव का वाहन है, किंतु कुछ हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव से पहले नंदी को देखना अशुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान को पशु योनि प्राप्त होती है, इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते समय अपनी आँखों को पशुपतिनाथ मंदिर के कलश की ओर केंद्रित करते हैं, ताकि उनकी नज़र पशुपतिनाथ जी के दर्शन से पहले नंदी पर ना पड़े। दोस्तों, एक ऐसी भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि कोई श्रद्धालु ऐसा करता है तो फिर उसका अगला जन्म पशु योनि में ही होगा। दूसरा द्वार है मंदिर की पूरब की ओर और बागमती नदी का आर्य घाट। आर्य घाट में स्नान कर भगवान को जल चढ़ाने वाले भक्त और भगवान के दर्शन से पहले नंदी को देखना अशुभ मानने वाले श्रद्धालु इसी द्वार से प्रवेश करना पसंद करते हैं। पौराणिक काल से केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। कुछ श्रद्धालु गौरी घाट से स्नान कर तीसरे द्वार से प्रवेश कर अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने के पश्चात श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करते हैं। चतुर्थ द्वार दक्षिण द्वार है, जो कि तांबे और सोने के मिश्रण से बना हुआ है। घंटानाद के साथ प्रतिदिन सुबह 4 बजे भंडारियों द्वारा गर्भगृह का पश्चिमी द्वार खोला जाता है। मंदिर में अभिषेक सुबह 9 बजे से 11 बजे के दौरान किया जाता है और इस समय तक मंदिर के चारों द्वार खोल दिए जाते हैं। अगर आप भी अभिषेक कराना चाहते हैं तो अभिषेक के लिए भक्तों को 1100 की पर्ची कटवानी होती है, जो कि काउंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रुद्राभिषेक समेत कई पूजा शामिल होती हैं। सबसे खास बात यह है कि पुजारी के द्वारा अभिषेक उसी दिशा में किया जाता है जिस दिशा में देवता का चेहरा दिखता है। अभिषेक करने के लिए मंदिर में भक्तों को किस द्वार के सामने लगी कतार में जाकर खड़ा होना है, इन सभी बातों का टिकट पर उल्लेखन किया गया है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य परिसर नेपाली शिवालय स्थापत्य शैली से निर्मित है, जिसमें मंदिर की छतें तांबे की बनी हैं और सोने से मढ़ी गई हैं, जबकि मुख्य दरवाजे केवल चांदी से मढ़े गए हैं। मंदिर में एक स्वर्ण शिखर है जिसे गजूर और 2 गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, जबकि आंतरिक गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। बाहरी क्षेत्र एक खुला स्थान है जो एक गलियारे जैसा दिखता है। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशाल स्वर्ण प्रतिमा है। पवित्र मंदिर में शिवलिंग का पशुपति रूप लगभग 3.5 फीट यानी कि 1 मीटर ऊंचा है। उनके दिव्य रूप में लिंगम पर 5 चेहरे जुड़े हुए हैं। लिंगम के चारों दिशाओं में 4 मुख हैं और 5वां आकारहीन और वो ऊपरी भाग में है। सभी मुख अपने आप में कुछ महत्व और नाम लिए हुए हैं। शिवलिंग में पूर्व दिशा की ओर बने हुए मुख को तत्पुरुष, पश्चिम मुख को साधयोजता, उत्तर मुख को वामदेव और दक्षिण मुख को अघोरा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग के इन मुखों को हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है और इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुख्य मूर्ति को केवल 4 पुजारियों द्वारा ही छुआ जा सकता है। 2 पुजारी मंदिर में दैनिक संस्कार और अनुष्ठान करते हैं। पहला
भंडारी और दूसरे को भट्ट पुजारी कहते हैं। भट्ट ही एकमात्र है जो मूर्ति को छू सकते हैं और मूर्ति पर धार्मिक संस्कार कर सकते हैं, जबकि भंडारी मंदिर के देखभाल करता है। पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर के आंगन में मंदिर और प्रतिमाओं में वासुकीनाथ मंदिर, उन्नत भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुद्ध नीलकंठ मंदिर, हनुमान मंदिर और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं। मंदिर के बाहर एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है। पशुपतिनाथ मंदिर में आर्य घाट का विशेष महत्व है, क्योंकि यह घाट मंदिर के पास एकमात्र स्थान है जिसका पानी पवित्र माना गया है और इसका उपयोग मंदिर के कार्यों में किया जाता है। दोस्तों, केवल हिंदू और नेपाली समुदाय के लोगों को ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने की अनुमति है और अन्य समुदाय या विदेशी पर्यटकों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है, तथा उन्हें बागमती नदी के समीपवर्ती तट से मुख्य मंदिर के दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दाह संस्कार की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि जिसका भी दाह संस्कार पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में किया जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। देश का हर एक हिंदू यहाँ मौत से मिलने की इच्छा रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह के बारे में कहा जाता है कि लोग मंदिर में मरते हैं, उन्हें मानव के रूप में यहाँ पुनर्जन्म दिया जाता है और उनके जीवन के सभी कदाचारों को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर में बैठे ज्योतिष मामूली शुल्क लेकर आपकी मौत का सटीक समय बता देते हैं और अपनी मौत का सही समय जानने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से एक बागमती नदी के किनारे होने वाली संध्या की आरती है। यह आरती मुख्य रूप से बागमती नदी के दूसरी छोर पर यानी पशुपतिनाथ मंदिर के सामने शाम को 6 बजे शुरू होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।